सब लोग आप बता दीजिएगा अगर दिक्कत हो। तो मैंने कैब बुक की और ड्राइवर को मैं बहुत देर तक समझा था कि भैया यहाँ आ जाओ वहाँ आ जाओ रमता पिछले घर के पास ही हो जाएगा। तो मैंने कहा अमित जी का घर देखा है तुमने? तो उसने कहा हाँ देखा है। तो मैंने कहा वहीं बाहर ही मिलो तुम, मैं वहीं आता हूँ। तो मैं थोड़ा पैदल चल के वहां पहुंच गया। अब खैर मैं जब कैब बुक करता हूँ, जैसे यहाँ के बहुत सारे लड़के करते होंगे कैब बुक, तो आप जब शेयरिंग में बुक करते हो तो एक बार तो दिल खड़कता है कि कहीं कोई लड़की तो नहीं पड़ती साथ में। तो मैं हमेशा शेयरिंग में कैब बुक करता हूँ। उसके दो रीजन है, पहला तो पैसा कि कम लगता है शेयरिंग में, और दूसरा उम्मीद। अच्छा मैंने देखा कि अच्छा मैं बार बार नेहा को परेशान करता रहूंगा, क्योंकि मेरे को लगता है जो नेहा नाम है, जब पेरेंट्स इस नेहा नाम जिन्होंने भी अपने बच्चों का रखा, कोई और भी नेहा इनके अलावा यहाँ पे, तो मुझे लगता है कि अगर पेरेंट्स के आलस की पराकाष्ठा अगर हो सकती तब मुझे लगता है हिंदुस्तान के कोई ऐसा मोहल्ला नहीं होगा जहाँ पे नेहा के नाम की कोई कहानी नहीं होगी, है ना। अब लड़कों का भी वही है, जैसे क्या बोले, मतलब इसमें नाम ही अपने आप में काफी है। तो खैर मैंने जब देखा कि वो कैब मैं नेहा के साथ शेयर कर रहा हूँ, तो मैं तो अमित जी के घर के बाहर खड़ा था भाई, और पहले से वो बंदी बैठी हुई थी। तो मैंने कहा कि ड्राइवर को ऐसी स्टाइल मारने के लिए कि यार मैं तो कभी शेयर में बुक नहीं करता ये, मतलब तो वो लड़की बोली पीछे से नेहा बोली, क्योंकि नाम ऐप में आता है ना, इतना एक्सपीरियंस तो अब भोपाल को हो गया होगा कि तो सर हो सकता है आपसे गलती से हो गया होगा। मैंने कहा हाँ शायद गलती से हो गया। खैर मैं कहके अपना पीछे जाके बैठ गया, और इसके बाद मैंने फिर अपना फोन म्यूट किया जो पहला काम किया। उसके बाद फिर अपने ऐसे दोस्त को, समझ लो कि भोपाल में किसी दोस्त से बतौलेबाजी शुरू की कि भाई अमित जी को बहुत पसंद आई स्क्रिप्ट। देखते लगे उन्होंने कहा है कि थोड़ा चेंज करना है। मैंने भी लेकिन बोल दिया अमित जी कि मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन अपना लिखा हुआ मैं चेंज नहीं करूंगा। अब मैंने बोल तो दिया ये अमित जी को, लेकिन इस बात का भी डर लग रहा था कि कहीं वो काम करने से मना ना कर दे। अमित जी ने कहा, दो मिनट तक सोचा और कहा कि श्रीमान आप एक बात याद रखिएगा, लेखक हमेशा हीरो से पहले आता है, और मैं तो कहता हूं कि लेखक ही फिल्म का पहला हीरो होता है, और मेरे पिताजी तो खैर कान पकड़ के उन्होंने। अब मैं ये सब फोन पे अपने दोस्त को समझा रहा हूँ भोपाल में, ये बोलकर मुझे लगा कि अब ठीक ठाक फेंक दिए अब बोल जाएंगे। खैर मेरे फोन काटते ही नेहा ने उससे पूछा कि आप अमित जी को जानते हैं? तो मैंने ये नहीं कहा कि मैं जानता हूं, बहुत अच्छे आदमी है। इसके बाद उसने मुझसे पूछा कि आप राइटर हैं? तो मैंने थोड़ा शर्माते हुए कहा कि थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ, लेकिन आजकल हिंदी किताबें पढ़ता ही कौन है। इनफैक्ट मैंने भी थोड़ा और फिलोसफी का लोगों बोला कि मैंने इनफैक्ट लिखना हरिवंश राय बच्चन साहब की वजह से ही शुरू किया था, वो नहीं होते तो खैर क्या आदमी थे। फिर मैंने दोबारा अपना कहा। इसके बाद नेहा ने इस दुनिया का सबसे अच्छा सवाल पूछा, आप अपनी किताब का लिंक भेज देंगे? मैंने मनी मन तुरंत सोचा कि चलो नंबर भी नहीं मांगना पड़ा। मैंने किताब का लिंक भेजा और साथ में हैप्पी रीडिंग लिख के भेज दिया। इतने में नेहा का स्टॉप आ गया। इधर मैं ही सोच के बहुत खुश हो रहा था कि इंप्रेशन एकदम लोकल पड़ गया। उधर से नेहा का मैसेज आया उतरते ही, उतरने के दो मिनट बाद, कि मैं अमिताभ बच्चन की सोशल मीडिया टीम में हूँ सर, पिछले 10 दिनों से शहर में नहीं है। लेकिन कहानी ऐसे थोड़ी ना उम्मीद पे खत्म होती है। लेकिन मुझे अगर तुम्हारी किताब पसंद आई तो पक्का तुम्हारी किताब अमित जी तक पहुंचा दूंगी। और हाँ आखिरी चीज, मैंने आज गलती से शेयर कैब बुक कर ली। तो ये गाड़ी भी, इसके बाद मैंने सोचा कि मैं दो चार कविता, एक्चुअली मैं कविता पहले लिखता था,
और जब कविता एक लेवल के बाद आप जब कॉलेज में आप होते हैं और एक दो बार आपका लाइफ साइकिल लाकी हो जाती है, एक दो बार प्यार व्यार आप कर लेते हैं, तो आप फूल पत्ती चांद सितारे की कुछ कविता गुलजार साहब से इंस्पायर होकर लिखते हैं। मतलब ये नॉर्मल स्टूडेंट लाइफ साइकिल है, इसमें कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है, ऐसा ये बहुत ही आम है, होता रहता है। जब भी आदमी शुरू करता है कविता, मुझे लगता है फूल पत्ती चांद सितारे से ही शुरू, उसके अलावा कविता शुरू नहीं कर सकता। तो खैर मैंने कविता लिखी, तो मैं कविता सुनाऊंगा बीच बीच में कि कैसे, क्योंकि मैं हुआ क्या कि जब ठीक ठाक करने लगा तो फिर बुलाया जाने लगा, फिर वो तौर तरीके जो होते हैं कवि सम्मेलन के, कि आप जैसे अब कविता चूंकि इतनी अच्छी होती है कि कई बार बिना भी आदमी सुना नहीं पाता है, तो वो सब मैं जब देखा तो मेरा थोड़ा मन पीछे हट गया, फिर वो फिर छूट गया, जैसे कविता उतनी नहीं बची। तो फिर जब ऐसा कुछ पैसे वाला काम आता है तो मैं कविता लिख देता हूँ। कई सारी ऐसी भी लोग पॉलिटिकल पार्टी के लिए लिखे जिनका मैं नाम भी नहीं बता सकता, चुनाव जीत गया था हालांकि वो लोग, लेकिन दिल्ली में सरकारी ऐसी कोई क्या है। तो खैर ये है दूसरी कहानी है, फिर बहुत सारे देख रहे हैं, तो दूसरी कहानी का नाम है देखा हमने पहले ही कहा था। तो कहानी शुरू होती है जब मैं हाई स्कूल का पेपर देने जा रहा था, तो जैसे हम सबके आसपास कई सारे दोस्त होते हैं, एक आध गर्लफ्रेंड होती है, एक आध बॉयफ्रेंड होता है, किस्मत अच्छी रही तो एक से ज्यादा गर्लफ्रेंड होती है, बॉयफ्रेंड होता है। तो ऐसे ही एक हमारे घर के पड़ोस में हमारे फूफा जी मौसा जी या हमारे पड़ोसी एक अंकल होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो हमेशा आपसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली या साइलेंट मोड में हमेशा एक ही चीज कहते हैं कि बेटा तुमसे नहीं हो पाया। वो चाहे आईआईटी जेईई का पेपर हो या कुछ भी हो। तो ऐसे ही हमारे पड़ोस में भी एक ऐसे ही एक अंकल थे, और मैं ये बार बार कहानी इसलिए सुनाता हूँ क्योंकि यही एक असली कहानी, बाकी सब नकली है मेरे पास, है ना। तो यही मेकिंग है मेरा। तो ऐसे ही आते, तो हाई स्कूल का पेपर होने वाला था, अंकल आईटी घर आते हैं, बताते कि दुबे जी भाई लड़के के 90% से कम आए तो समझिए लड़का कमजोर है, कुछ नहीं करेगा, हमारा निकलेगा। बोर्ड हुआ 90% तो बहुत दूर था, लाइब्रेरी पीछे किताब। तो खैर उसके आधार में देखा हमने पहले ही कहा था, फिर उसका 12th हुआ, फिर हुआ कह रहे 95% का आया तो DU में तो कट ऑफ ही नहीं क्लियर होगा इसका। तो खैर फिर वही हुआ, अंकल लगा रहा है, बोले देखा हमने पहले ही कहा था। फिर अपना मैं इंजीनियरिंग की तैयारी करने लगा। अब इंजीनियरिंग की तैयारी आदमी कोई भी हिंदुस्तान में IIT की तैयारी करता है, अगर कोई कोचिंग, किसी ने इंजीनियरिंग कोचिंग किया है तो इंजीनियरिंग कोचिंग का, तो आदमी पहले दिन क्या डिस्कशन करता है कोचिंग में। मतलब मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि आदमी पहले दिन जाता है, भले 12th में 65% नंबर आए हो, आदमी वहां सोचता क्या, वहां डिस्कशन होते हैं कि अगर IIT कानपुर में कंप्यूटर साइंस मिल जाए और IIT बॉम्बे में मैकेनिकल मिल जाए तो आदमी को क्या लेना चाहिए। तो दूसरा जो दोस्त होगा जिसका भी कभी IIT में नहीं होगा वो भी आपको बताएगा कि नहीं नहीं IIT कानपुर ज्यादा अच्छा है, या जो भी इस तरीके के डिस्कशन। तो कोई प्राइवेट कॉलेज के लिए तो इंजीनियरिंग की कोचिंग करता नहीं है, तो हमने भी नहीं की थी। तो खैर IIT का पेपर हुआ, मेजॉरिटी में रहे अपन हम लोग। अंकल आंटी फिर घर आए, मैंने कहा कि देखा हमने पहले ही कहा था। इस बार जब आए तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के बच्चों के पैकेज बड़ा बढ़ा के बताते रहे। अब कभी कभी मेरे को भी लगता था यार इनके सारे हम लोग के अलावा इनके सारे रिश्तेदार कितने अच्छे होंगे, मैंने हम ही लोग गलत समझे और वो बड़ा बढ़ा के बताते रहे। तो खैर मैं फिर प्राइवेट कॉलेज पहुंचा, और वहाँ प्राइवेट कॉलेज हिंदुस्तान, आप लोग मोहल्ले के ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, मोहल्ला कितना दिनों बाद में बोल रहा हूँ क्योंकि बॉम्बे में तो मोहल्ले होते ही नहीं, तो मोहल्ले के ऐसे बहुत सारे लड़के होते हैं जो प्राइवेट कॉलेज से कर रहे होंगे, जो बेचारे जब फोर्थ ईयर के बाद आते हैं और बेचारे चुपके से कोने में दबक जाते हैं, नौकरी नहीं लगती है। और आप वहाँ पे प्राइवेट कॉलेज में पहुंचे तो वहाँ पे अपनी या ये ज्यादा कोई पढ़ रहा हो आपके आसपास तो आप उसको बोल सकते हो भाई इतने ही पढ़ने वाले थे तो IIT क्यों नहीं चले गए, यहाँ पे क्यों आ गए, जिस तरीके का डायनेमिक्स है वहाँ पे। तो फिर फाइनल ईयर तक आते आते समझ में आ गया था कि भैया ये सब मेरे बस की बात नहीं है, ये जो पूरा इंजीनियरिंग का काम यहाँ पे। मैं लौट आया फाइनल ईयर पे, हर बार जब मैं कहीं से लौटता था तो ये होता था फिर अंकल आंटी कहता तो कहते, तो उन्होंने एक बार ये नहीं कहा बेटा आवारा निकले, उन्होंने कहा कि बेटा इस बार छुट्टी कितने दिनों की है, अब भाई कॉलेज खत्म हो गया छुट्टी छुट्टी है तो वही नहीं। तो फिर मैंने एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी थी, मतलब ये बात कहानी का ये हिस्सा सच है, तो कि नौकरी नहीं लगी थी और एडवर्टाइजिंग एजेंसी थी एक भैया की, जो उन्होंने कुछ वो था तो अपना एडवर्ट थोड़े मोड़े लोकल ब्रांड्स के बनाते रहते थे। तो मैं उनके पास पहुंचा, मैंने कहा भैया ऐसा है मुझे
इंजीनियरिंग का प्यार वाला एक्सपीरियंस हो गया, मैं कविता फटाफट लिख लेता हूँ। तो आप अगर कुछ ऐसा काम रहेगा तो आप बताइए, मैं जिंगल विंगल लिख दूंगा। तो उन्होंने मेरे को मिश्राकू का एड, हो जाया था टीवी पे, आया था पहला एड मेरा, तो वो एड उन्होंने दिया। और एक स्कूल था वहां पे, स्कूल का नाम तो नहीं याद है, जिसका हर स्कूल की एक्चुअली थीम यही होती है ना, मॉडर्न विद ट्रेडिशनल वैल्यूज टाइप। तो ऐसे कोई स्कूल होगा तो उसके लिए मैंने वो लिखा, उन्होंने देखा कि इसे नकल करके लिख के लाया, उन्होंने पूछा था क्या, नहीं मैंने खुद अभी लिखा है। उन्होंने 1000 रुपए दिए मेरे को, 100 के 10 नोट। वो 1000 रुपए मेरी इंजीनियरिंग के बाद की पहली कमाई थी। और मैंने, उन्होंने बोला भी मेरे को जब भैया ने पैसे दिए, क्या ये हम तुम्हें इसलिए दे रहे हैं, और ये मैं इसीलिए कहानी बार बार सुनाता हूँ क्योंकि ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ गुजर रहा होगा, या आपके आसपास गुजर चुका होगा या गुजर रहा होगा या गुजरेगा, कि उन्होंने कहा कि देखो बेटा ऐसा है कि इस 1000 रुपए से जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, उससे मैं 1 लाख रुपए कमाने वाला हूँ, लेकिन मैं तुम्हें 1000 रुपए इसलिए दे रहा हूँ ताकि तुम ये जान जाओ कि तुम लिख के कमा सकते हो। ये पहला बड़ा मोमेंट था उस समय का। तो ये हुआ, उसके बाद फिर बहुत सारे ऐड लिखे, फिर भैया ने बहुत एक्सप्लॉइट किया मेरे को, बहुत सारे फ्री में ऐड लिखा है, बट लेकिन मुझे तो मजा आ रहा था, मेरे लिए इससे ज्यादा बड़ी क्या चीज है। खैर फिर MBA हुआ, हमारा इंजीनियर के इस देश में दिक्कत है ना, जब और कुछ नहीं समझ में आता तो MBA कर लेता है, क्यों तो MBA किया। फिर MBA में के बाद में फिर पहली किताब आई, तो फिर लौट के जब मैं घर आया तो अंकल आंटी कह रहा है, देखा मैंने पहले ही कहा था। तो फिर खैर उसके जब 1 साल बाद किताब आई, तो फिर जब आए इंग्लैंड तो उन्होंने कहा, देखा दुबे जी हमने पहले ही कहा था कि लड़का कुछ अलग करेगा। तो ऐसा ही है ये लेकिन किस्सा इसलिए बार बार, चूंकि ना बहुत सारे लोगों की ये रियलिटी है अलग अलग फॉर्मेट में, मैं इसलिए बार बार ये बात बताता हूँ, थोड़ी रिपीट भी लगती है बट फिर भी इसका है। तो अगली कहानी, मेरी सारी कहानियां मोटा मोटा उस काश पे टिकी हुई है, कि सारी कहानियां उस काश से बनती हैं जो मुझे लगता है कि काश हम ये कर लेते, काश हम वो कर लेते, काश हम ये कर लेते। तो मैं कहानियां उल्टे से शुरू करता हूँ। मैं 8 साल नौकरी करने के बाद, मैंने थोड़े दिन पहले आइडिया की नौकरी छोड़ी, और यहाँ पे मेरे दोस्त आए, उन्होंने मुकेश ने मेरे को बहुत सारी ट्रेनिंग दी हुई है, उन्होंने बहुत कुछ बिगाड़ा है मेरे को, और 8 साल पहले सर यहीं इंदौर में, और बहुत सारा जो मैंने सीखा सर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू, तो बहुत सारा जो मैं बिगड़ा भी आप ही की वजह से तो सीखा। तो मैंने जो 60 साल की नौकरी को रिजाइन किया, तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड का जैसा कल्चर है, आप रिजिग्नेशन हिंदी में मेल लिख के नहीं देते, वहां पे जो लिखते हैं, बहुत सारे लोगों ने रिजिग्नेशन देखा होगा, आप लोग लाइफ में बहुत सारी देखोगे, तो उसमें लिखा रहता है टिल वी मीट अगेन आखिरी मेल में, और आखिरी दिन पहले आप एक ईमेल लिखते हैं। तो मैंने ईमेल क्या लिखी थी वो मैं आपको सुनाता हूँ, और ये भी असली है कि मुझे लगा जब जा ही रहे 8 साल बाद तो क्या है, मतलब असली बात लिखो, अगर कोई झूठ लिखता रहता है ना ऑफिस की मेल्स में, तो कि देवी और भाई हो ये आखिरी ईमेल है, तो मैं कोशिश करूंगा कि सच बोलूं। फ्रेंकली नौकरी छोड़ना ऐसा कोई फैंसी काम नहीं है जिसके लिए किसी को याद किया जाए, बहुत लोग करते हैं और बहुत लोग करते रहेंगे। यहाँ 8 साल बीत गए, मुझे लगा था कि छोड़ना थोड़ा बहुत इमोशनल होगा, लेकिन सच में ऐसा कुछ लगेगा। शायद कल सुबह जब मुझे चाय पीकर अखबार पढ़ते हुए ऑफिस जाने की जल्दी नहीं होगी, तो लगे कि कुछ मिसिंग है। इतना तय है कि मुझे यहाँ के काम की तो याद नहीं आने वाली, याद आने वाले यहाँ के कुछ लोग, सब लोग भी नहीं, याद आने वाले यहाँ के कुछ लोग, सब लोग भी नहीं, आखिरी चिट्ठी है, सफेद झूठ नहीं बोलना चाहता। मैंने यहाँ बहुत कुछ सीखा, ये बात सच है, कुछ मन से कुछ बेमन से, कुछ समझदारियां सीखी, कुछ चालाकियां जानी, उम्मीद है कि आगे के सफर में ये दोनों ही चीजें काम आए। यहाँ पे सब कुछ सेट था, मेरे प्रोफाइल से लेके करीब करीब फ्यूचर तक, और इसी वजह से मैं ये नौकरी छोड़ रहा हूँ। थोड़ा अजीब है, लेकिन रास्ता पता हो तो जिंदगी थोड़ी सी बोरिंग हो जाती है। आगे क्या होगा मुझे नहीं पता, मुझे इस बात से बेचैनी नहीं हो रही, रास्ते का पता नहीं, लेकिन सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। कभी कभी मुझे बड़ा ही अच्छा शब्द लगता है, कभी बैठते हैं, कभी मिलते हैं, कभी घूमने चलते हैं, कभी ऐसे ही बेवजह छुट्टी लेते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये कभी हमारी जिंदगी को एक उम्मीद देता रहता है कि शायद कल सब कुछ ठीक वैसा हो जाए जैसा हमने आज सोच रखा है। चलते चलते मैं बस ये चाहता हूं कि आप सभी को अपना वो न आने वाला कल मिल जाए जिसका ख्याल आपको रोज सोने से जस्ट पहले आता है। उम्मीद तो यही है कि मेरी कहानियां जरूर आप तक पहुंचती रहेंगी। मुझे मालूम है कि मुझसे बहुत सारी गलतियां हुई हैं, हो सके तो मुझे माफ करिएगा। फिर मुलाकात होती है कभी।
ईमेल मैंने भेज तो दी सर, आज तक परफॉर्मेंस का पैसा नहीं सही बता रहा हूँ कसम से पहले रेटिंग खराब ही कर दी उन्होंने बट एनीवेज वो तो खैर आप अपने वाले भी पुस्तक में चुकाते हैं तो ठीक है। तो ये है, इसके बाद कैसे करना है कि सवाल जवाब करते रहे या मैं थोड़ा पहले सुना लूं फिर उसके बाद सवाल जवाब करना है? मेरे को लगता है बहुत सारे लोग खड़े हैं, मेरे को ये बेचैनी हो रही कि कितनी देर तक ऐसे खड़े रहेंगे अगर मैं ऐसे ही ध्यान देता रहूंगा। मुझे लगता है आप अपनी इंटरनेट पर सबसे प्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध कविता सुनाई, हाँ। तो मैं आपको पहचान गया था जी, धन्यवाद। तो आप ही ने सबसे पहले वो कविता डाली भी थी, तो हुआ क्या था कि एक कविता जब चीजें बहुत पॉपुलर हो जाती तो उसको वायरल ही बोलते थे एक टाइम पे, वो भी टाइम था ना, तो एक कविता थी क्या लिखूं करके, तो वो सबसे पहले नामी सर ने डाली थी, मैं देखता हूँ कि है कि नहीं रखा, अपनी कविता नहीं आ रही। ये कविता की कहानी है कि मैं बहुत ये उस समय जब इंजीनियरिंग के थर्ड ईयर में था मैं, तो मुझे समझ ही नहीं आता था करूं क्या, करना क्या है आगे लाइफ में, और बिल्कुल ही बेचैन नहीं चल रहा है। मतलब आपको ये लगता है यार इतने साल बीत गए, और मेरे साथ दिक्कत ये थी कि मैंने ट्वेल्थ के बाद एक डेढ़ साल रजनीश और विवेकानंद वगैरह पढ़ लिया था, तो मेरी जिंदगी से उम्मीदें बड़ी ज्यादा थी कि ये तो यहाँ पे क्या क्या हुआ जा सकता है, परमात्मा हुआ जा सकता है, और हमें तो ये भी समझ में आ रहा है कि इंजीनियरिंग के बाद क्या करना है। तो अब ये बड़ी दिक्कत थी, तो ये उस बेचैनी के दौरान ये कविता निकली थी। बहुत फ्रस्ट्रेशन था, बहुत कुछ पढ़ चुके थे, मतलब इतनी बेचैनी थी कि रोज 250 पेज पढ़े बिना मैं इनको नींद नहीं आती थी, मतलब जब तक आके थक के गिर ना जाए बिल्कुल थक गया उस पर। तो जब की कविता का नाम है क्या लिखूं, और बिल्कुल ये मेरा स्टेट ऑफ माइंड उस समय भी था, और बहुत बार अभी भी हम लोग होता ना समझ नहीं आता कि हम आखिर करें तो करें क्या जिंदगी में किसी भी स्टेज पे। इवन जैसे मैं अपने फादर के बहुत सारे दोस्तों को देखता हूँ रिटायरमेंट के बाद एकदम से उनको किताब लिखने का शौक हुआ है, और फिर वो कविता भी लिख रहे हैं और फिर वही फूल पत्ती चाहते समझा भी नहीं पाते कि अंकल खैर कविता का नाम है क्या लिखूं। कुछ जीत लिखूं, कुछ जीत लिखूं या हार लिखूं, या दिल का सारा प्यार लिखो, कुछ अपनों के जज्बात लिखो, कुछ अपनों के जज्बात लिखो, या सपनों की सौगात लिखो, कुछ समझो या मैं समझाओ, या सुन के चलता ही जाओ, पतझड़ सावन बरसात लिखो, या उसकी बूंद की बात लिखो, पतझड़ सावन बरसात लिखो, या उसकी बूंद की बात लिखो, वो डूबते सूरज को देखो, वो डूबते सूरज को देखो, या उगते फूल की सांस लिखो, वो पल में बीते साल लिखो, वो पल में बीते साल लिखो, या सदियों लंबी रात लिखो, मैं तुमको अपने पास लिखो, मैं तुमको अपने पास लिखो, या दूरी का एहसास लिखो, मैं अंधे के दिन में जागो, मैं अंधे के दिन में जागो, या आंखों की मैं रात लिखो, मीरा की पायल को सुन लो, या गौतम की मुस्कान लिखो, बचपन में बच्चों से खेलो, बचपन में बच्चों से खेलूं, या जीवन की ढलती शाम लिखूं, सागर सा गहरा हो जाऊं, या अंबर का विस्तार लिखूं, सागर सा गहरा हो जाऊं, या अंबर का विस्तार लिखूं, सावन की बारिश में भीगूं, या आंखों की बरसात लिखूं, मैं हिंदू मुस्लिम हो जाऊं, मैं हिंदू मुस्लिम हो जाऊं, या बेबस इंसान लिखूं, मैं एक ही मजहब को जी लूं, या मजहब की आंखें चार लिखूं, कुछ जीत लिखूं या हार लिखूं, या दिल का सारा प्यार लिखो। तो ये सब लिखा था मैं, ये पहली कविता थी मेरी, उसके बाद से मीटिंग नहीं कर पाया था वो होता है एक बार आपको कलम थोड़ा देनी चाहिए तो ऐसे ही। तो ये था हाँ मैं सुना था। तो आप सभी ने मेरे ख्याल में हर किसी का कॉलेज जो है हम सबका, वो कहीं ना कहीं उसमें एक पर्ची की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है ना, जो आप पर्ची धीरे से काट पीछे रजिस्टर के पीछे से बाढ़ के दे देते हैं, कितना भी SMS या वो आ जाए जो प्लानिंग होती है उसमें। तो वो कहानी का नाम है पर्ची, और मेरे को इसके लिए एक वॉलंटियर चाहिए, मतलब कोई एक लड़का कोई भी अपना नाम बता दो समझ के, मतलब देख लो कुछ भी हो, राजीव राजीव ठीक है राजीव, चलो तुम आगे बैठे हो तो
तो ये समझ लेते हैं कि राजीव की कहानी है कि राजीव आज से 10 साल बाद क्या हालत होगी राजीव की, वो उस पर कहानी है कि अरे भाई राजीव के साथ भी सबके साथ ही हो जाएगा, नाम राजीव होने से कुछ नहीं होता। तो नाम चाहे राजीव हो चाहे राहुल, खैर मैं पर्ची कहानी आ रहा हूँ। पर्ची में पूरे कॉलेज कभी तुमसे कह नहीं पाया, मैं पूरे कॉलेज कभी तुमसे कह नहीं पाया, आज कॉलेज के 5 साल बाद पता नहीं क्यों तुमसे ये सब कुछ कहने का मन कर रहा है। कॉलेज के पहले दिन जब तुम्हें देखा था तो बस इंस्टेंट कॉफी वाला प्यार हो गया था तुमसे। तुम जो क्लास में अपनी सहेलियों के साथ सबसे पीछे बैठती थी, तुम जो कभी किसी लड़के से बात नहीं करती थी, मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई कि मैं तुम्हारे पास आऊं और तुमसे कॉफी के लिए पूछूं। एक बार बड़ी हिम्मत करके मैं तुम्हारे पास आया और मैंने तुमसे कहा हाय। कोई बंदी का कोई वॉलंटियर मेरे को नाम बता दी, बताओ तुम ही बता दो। जब सुप्रिया रियल लाइफ गई भाई, क्या होगा इतना फाक करा दिया। खैर सुप्रिया जी माफी चाहता हूँ, बट फिर भी तो मैं तुम्हारे पास आया और मैंने तुमसे कहा हाय सुप्रिया आई एम राजीव, राजीव गांधी। तो तुमने और तुम्हारी सहेलियों ने मुझे ऊपर से नीचे तक घूरा और कहा तुम राजीव हो तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। जैसे ही तुमने ये बोला तुम्हारी सारी सहेलियां फूट फूट कर हंसने लगी, हंस हो रही थी फूट मैं मन ही मन अंदर ही अंदर। अच्छा ये पूरी दुनिया में शायद इंडिया में ऐसा होता है कि हर कॉलेज हर ट्यूशन हर लाइब्रेरी में लड़कियां जब हंसती हैं तो सब एक साथ हंसती हैं, पता नहीं उनको कैसे बात समझ में आ जाती है। खैर ये फूटने वाले कांड के बाद अगले 6 महीने मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं तुम्हारे पास आऊं और तुम और तुमसे कॉफी के लिए पूछूं। तुम्हारी सहेलियां वैसे ही हंसती रहीं और कॉलेज वैसे ही बीतता रहा। लेकिन जो ये इंस्टेंट कॉफी वाला प्यार होता है ना, ये रह रहे के उबाल मारता है। एक दिन जब तुम लेट आई और क्लास शुरू हो चुकी थी, तुमने ध्यान नहीं दिया पीछे कोई जगह नहीं थी, और वैसे भी स्कूल और कॉलेज में यही तो एक बेसिक फर्क होता है, स्कूल में लोग आगे वाली सीट के लिए जल्दी आते हैं और कॉलेज में पीछे पर। खैर तुमने जल्दबाजी में देखा नहीं, तुम मेरी वाली सीट पे आके बैठ गई। अब तुम्हारे बैठते जो लेक्चर बोरिंग लग रहा था एकदम से इंटरेस्टिंग लगने लगा। मुझे लगा कि अभी मौका मिस नहीं होना चाहिए, तुम्हें भी यही लगा होगा। पहली बार ऐसा हुआ था कि तुम्हारी कोई भी सहेली तुम्हारे आसपास नहीं थी। लेक्चर के बीच में मैंने हिम्मत कर ली कि आज तो बात करनी ही है। मैंने एक पर्ची पे लिखा सॉरी और पर्ची तुम्हें दे दी। मैंने फिर लिखा कैंटीन में कॉफी प्लीज मना मत करना। तुमने 10 मिनट तक सोचा और लिखा ओके। मैंने फिर लिखा एक चीज और, तुमने पूछा क्या, मैंने लिखा प्लीज अपनी सहेलियों को लेके। ये पढ़कर तुम बहुत जोर से हंसी और तुम्हारे जोर से हंसने की वजह से हम दोनों को क्लास से बाहर निकाल दिया गया। आज 10 साल बाद वाला आज, आज जब तुम्हारी शादी के कार्ड पर ईमेल आया तो मुझे भी बहुत मिल गया। आज जब तुम्हारी शादी के कार्ड का ईमेल आया जिसमें लिखा है प्लीज ट्रीट दिस एज पर्सनल इनविटेशन, तो पता नहीं क्यों ये सब कुछ याद आ गया। एक पर्ची पर लिख के भेज दिया होता तो तुम्हारी शादी में पक्का आ जाता। कोई और वाले अरे अच्छा वो मेरी वो नजीर अकबरावादी साथ की लाइन थी। मैं को देखना पड़ेगा वो कहाँ पे है, मैं देखता हूँ इसको एक से देखता हूँ, अगर मिल जाएगा अभी तो सुना देता हूँ। आपको याद है वो तो मैं। अच्छा ये मुसाफिर कहते हैं बहुत सारे क्या होता है जब आप किताब लिख रहे होते हो तो कई बार आपको दो आप में से बहुत सारे लोग शायद किताब लिखना चाहोगे कभी ना कभी फ्यूचर में, और किताब लिखने का सोचना ही चाहिए जैसे इंजीनियरिंग करने का सोचना चाहिए। क्योंकि किताब भिखलौती मुझे लगता है ऐसी चीज है अभी भी इस दुनिया में कि टीवी या फिल्म या ये लेक्चर या कोई ऐसा कोई बहुत बड़े ज्ञान की बात जो बता रहा वो आप मास में कंज्यूम करते हैं, लेकिन किताबें इकलौती चीज है जो आप अकेले में वो दो लोग एक साथ नहीं पढ़ सकते।
और इसीलिए उसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट रहता है। अगर दो लोग एक किताब पढ़ेंगे तो दोनों की मेमोरी अलग अलग होगी, वो राइटर से भी अलग होगी जो उसने समझा। इसीलिए किताब लिखनी चाहिए क्योंकि वो एक नई दुनिया बनाता है। ये सब ज्ञान मेरे पे सूट नहीं करता लेकिन फिर भी सोच कह रहे हो क्या लोग ले रहे हैं। हाँ, तो ये कविता कहानी कविता का मिला जुला वो है। तो इसमें पल पल हमारी उंगलियों से होता हुआ फिसल रहा था, समय लौट लौट के ठहर रहा था, पूजा घर की बुझी हुई बत्ती अपनी आंखें खोलकर बाहर झांकने की कोशिश कर रही थी। बल्ब को नींद आ रही थी। तुम्हें जो हो सकता था वो उतना ही पुराना था जितना की दुनिया। अपने आंसू को बिना बहे तुमने इतनी बार पोंछ दिया था कि अब वो नाराज है, अब वो मुझसे अकेले में हिसाब किताब करेगा। तुम इतना बोल रही थी कि खामोशी ने कट्टी कर ली थी। पूरी दुनिया एक कमरे में सिमटी हुई चादर बन गई। चादर की हर एक वो सलवट बेचैन है जो बन नहीं पाई। तुम मेरे साथ ज्यादती करो तो करो, पूरे घर को इसकी सजा देने की क्या जरूरत थी। और कविता है वो बातें जो होठों पे आके थमी थी, उन बातों में कितनी ही रातें जमी थी। वो बातें जो केवल समझी नहीं थी। वो बातें जो जिद आई कि छूना है तुमको, होठों की हट चुप रहना है उनको। पलों ने ठहर कर रोकी कई सांसें। तो कमरे की दीवारें चुपचाप खांसे। तकिए पे बातों ने बदली थी करवट। चादर ने कह दी कहानी बसल बट। तुमने बातों को हाथों में भर के उठाया और हौले से सर पे उनको सहलाया। कमरे के पर्दे हंस के हिले थे। बिन बोले बातों के अब सिलसिले थे। बातें जो आहों में ढलती गईं फिर आहें जो मन में घुलती गईं फिर। बातें तो बातें हैं खत्म होंगी एक दिन। रातें तो रातें हैं सहर होगी एक दिन। वो जो कुछ भी था उसको प्यार ना बोलो। वो जो कुछ भी है उसको ख्यालों से तोलो। सारी की सारी बातें इकट्ठा कपड़ों में गुम गई रात का चिट्ठा। सुबह उठ के होठों ने बातों की गठरी धीरे से चुपचाप माथे पे रख दी। वो बातें हमारी खुशी बन गई फिर वो बातें जो होठों पे आके थमी थी उन बातों में कितनी ही रातें जमी थी। थैंक यू। कहानी ऐसे है कि ईद और आलिया में कोई बहुत ही गहरा रिश्ता है शायद। ये सुनी है पहले आप लोगों ने कहानी? यस सुना है। सबने सुनी है कहानी? नहीं। तो ईद और ये भी समझ लो कि 10 साल बाद की कहानी है। तो ईद और आलिया में कोई बड़ा ही गहरा रिश्ता है शायद। करीब 7-8 साल पहले की बात है। आज के जैसे ईद का दिन था और सभी आलिया को ईद मुबारक पेश कर रहे थे। आजकल कॉलेज में आज भी लड़के लड़कियां कितने भी एडवांस हो जाए लेकिन अपना मॉडर्न पना दिखाने में नानी याद आ जाती है। आलिया सभी से हाथ मिला के ईद मुबारक विश ले रही थी और सभी हाथ मिला के ईद मुबारक विश दे रहे थे। इतने में मैं सामने चढ़ गया और मैंने कहा कि यार हमारे यहाँ तो ईद पे गले मिलते हैं, हाथ मिला के ईद थोड़े मिली जाए। तो पता नहीं इस बात पर मेरी वो गुस्सा हुआ या कुछ। उसने एक मिनट तक सोचा और बोला कि तो लग जाओ गले दूबे जी। भैया असली वाली कहानी भोपाल है ना। तो मिश्रा जी मैं ही था, पंडित लोगों की सब चाल बात है। उसके बोलते ही मेरे होश उड़ गए। मैंने उसके कहा यार मजाक कर रहा था। उसने कहा खैर कल ईदी खाने का रहा ना, ये बोल के वो चली गई। मैं कॉलेज से लौट कर हॉस्टल में अपने रूम में आलिया के बारे में बहुत देर तक कुछ सोचता रहा। बात आई गई होगी कॉलेज, हर साल वैसे ही बीतता रहा, हर साल वैसे ही ईद आती रही। हर बार मैं उससे यही बोलता कि हमारे यहाँ तो ईद पे गले मिलते हैं और हर बार वो भी यही बोलती रही तो लग जाओ गले दुबे जी। मुझे हमेशा डर लगता रहा कि कहीं ईद पर किसी ईद पर मैं आलिया को गले लगा लूँ तो वो ज्यादा तो नहीं हो जाएगा। और वैसे भी किसी भी लड़के के लिए इस दुनिया के समझना बड़ा ही मुश्किल है कि कब हाथ मिलाना कम रह जाता है और कब गले लगाना ज्यादा हो जाता है। खैर आलिया की तरफ से कुछ है भी नहीं है ये मुझे कॉलेज के 4 सालों में तो पता नहीं चला। कॉलेज के बाद आलिया ने एक सॉफ्टवेयर कंपनी ज्वाइन कर ली
और हम टच में नहीं रहे, और वो फेसबुक पे भी नहीं मिली जहाँ पे आप हर दुनिया के आदमी को एड एज फ्रेंड कर सकते हो। कल जब दिल्ली की फ्लाइट से उतरा तो दूर टैक्सी की लाइन में एक बंदी दिखी, मुझे एक बार लगा शायद आ गया है। मैं पास गया और मैंने उस बंदी को देखा और झिझक के साथ मैंने पूछा कि आप आलिया है ना? तो बंदी ने बिना एक मिनट में आएगा, अरे दुबे जी आप, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। मैंने झिझक के पूछा, अरे यार इतनी जल्दी पहचान लिया। मुझे तो लगा था कि पता नहीं कॉलेज का क्या क्या याद दिलाना पड़ेगा। बोली कि क्या बात कर रही है दुबे जी, तुम्हें कैसे भूल सकते हैं, तुम 100 साल बाद ही मिलते तो भी मैं तुम्हें ऐसी पहचान। उसके ये बोलने के बाद मुझे किसी बात की तसल्ली, प्यार भी तसल्ली तो होता है। उस दिन मुझे पहली बार इस बात का एहसास हुआ कि हमारी कहानी के खोए हुए अधूरे चैप्टर किसी दिन ऐसी अचानक से आगे पूरे हो जाते हैं। मेरी कार आई हुई थी, मैंने उससे कहा कि चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। वो कार में मेरे साथ आ गई। रास्ते में कॉलेज, कैंटीन, दोस्तों, मास बंक, लेक्चर्स, दुनिया भर की बातें हुई। उसने बताया कि वो ईद पे 15 दिनों के लिए घर आई हुई है। उसने पूछा भी सबसे मुश्किल सवाल, उसने पूछा कि शादी हो गई क्या दुबे जी? मैंने कहा हाँ यार, 2 साल की बच्ची हुई है। बातों में पता ही नहीं चला कि कब उसका घर आ गया। उसके उतरने पे मैंने आलिया से कहा, ईद मुबारक। ये सुनते ही वो बोली, हमारे यहाँ तो ईद के गले मिलते हैं, हाथ मिला के ईद के मिलते हैं। मैंने उसको गले लगा लिया और उसने मेरे कान में धीमे से कहा, सॉरी। मैंने उसे कहा, ये तो करना पड़ा। हमारे तो ईद पे गले मिलते हैं और हाथ मिला के ईद थोड़े मिल जाती है, आलिया ने बोला। फिर मैंने उसको गले लगा लिया, उसने मेरे कान में धीमे से कहा, ईद मिलने में बहुत देर कर दी दुबे जी। ये सुन के बस मैं इतना बोल पाया, ईद मुबारक आ गया, मेरी बच्ची का नाम भी आ गया है, कभी घर आओ। अब मैं आपको एक चिट्ठी सुनाता हूँ। ये हुआ क्या था कि मैं जब इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में था तो मेरे को बिल्कुल क्लियर हो गया था कि ये रास्ता तो आगे वाला नहीं है। और बहुत बार ऐसा होता है कि आपको ये पता चल जाए ना कि ये गली नहीं जाना है तो जिंदगी बड़ी आसान हो जाती है। होता क्या है कि जब आप इंजीनियरिंग में होते हो तो आपको एक नौकरी दिख रही होती है कि अरे वॉकिंग देंगे तो मिल ही जाएगा, या प्लेसमेंट में बैठेंगे थोड़ा अच्छा बोल लेंगे तो मिल ही जाएगी। तो उस दौरान एक चिट्ठी जो मतलब मेरे पिताजी ने सही में मेरे को भेजी थी, उस समय जब मैं बिल्कुल ही बेचैन रहा करता था बनारस में लौट के थोड़े दिन के लिए, तो ये चिट्ठी वैसे ही मुझे लगता है बहुत सारे लोग, बहुत सारे पेरेंट्स ये कहना चाहते हैं, कह नहीं पाते अपने बेटे से, अपनी बेटी से। तो चिट्ठी ऐसे कि प्रिय बेटा, तुम्हें ये चिट्ठी इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हर बात हम फोन पे नहीं बोल सकते हैं। हम लोग कुछ बातें बस लिख के ही बोल सकते हैं। फोन पे जब तुमसे रोज पूछता हूँ कि पढ़ाई सही से हो रही है ना, और तुम एक ही टोन में रोज बोलते हो, हाँ पापा अच्छे से हो रही है, तब मन करता है कि तुमसे बोलूं कि हफ्ते में एक दो कि, तो जब तुम बोलते हो, जब पूछते हो कि पढ़ाई अच्छे से हो रही है, तो मन करता है कि मैं तुमसे बोलूं कि हफ्ते में एक दो दिन कोर्स वाली किताबों को हाथ मत लगाया करो। एक बात याद रखना, अच्छे बच्चे वो होते हैं जो घर वालों की सारी बातें मानते हैं, लेकिन सबसे अच्छे बच्चे वो होते हैं जो अपने घर वालों की सारी बातें नहीं मानते हैं। सारी बातें केवल मशीनें मानती हैं, सारी बातें बच्चे मान ही नहीं सकते। कॉलेज से आवारा बन के लौटोगे तो भी एक बार को झेल लेंगे, लेकिन कॉलेज से मशीन बन के मत लौटना। अब तुम ये सोच रहे होगे कि हम क्यों लिख रहे हैं ये सब तुम्हारे लिए, अच्छा ये सोच रहे होगे कि हाँ ये सब मैं तुमको इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हमने हमेशा ही तुम्हारे दादाजी की सारी बात मानी और घर के अच्छे बच्चे हो गए, हम कभी कुछ मना नहीं कर पाए। घर के अच्छे लड़के बन गए लेकिन अपनी नजर में बहुत अच्छे नहीं बन पाए। हो पाए तो कॉलेज में, ये हो सकता है ना बोलने कई सारे पेरेंट्स, हो पाए तो कॉलेज में प्यार करने की कोशिश करना, एक आध बार दिल टूटे तो डरना नहीं, और सबसे जरूरी बात प्यार देख के करना, कास्ट देख के ना करना। बेटा सोच रहे होगा कि पिताजी को क्या हो गया है, कहा इतनी लंबी चिट्ठी लिख के सेंटी हो रहे हैं। तो यार एक जान लो, अपने कॉलेज के टाइम में तुम्हारे दादाजी की चिट्ठी का बहुत इंतजार किया है, लेकिन वो चिट्ठी कभी आई नहीं। हमने जो इंतजार किया था वो तुम्हें ना करना पड़े, इसलिए ये चिट्ठी भेज दी है। जवाब भेजने की जरूरत समझना तो भेजना, नहीं तो कोई बात नहीं। आशीर्वाद पापा।